पाठ का शीर्षक है बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वो जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है। और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की तरफ हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वो सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वो बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वो फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वो सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए।
बस के नीचे बाघ। अभी आपने सुना ये पाठ। विषय संयोजन डॉक्टर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय डॉक्टर लता पांडे, निर्माण संचालन एवं वाचन प्रभुदयाल खट्टर, तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे, ध्वनि अंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।